आज के समय में कोई पानी की बोतल है उसके ऊपर सील होती है, तो सील होती है तो उसको हम खरीद लेते हैं, सील टूटी होती है तो उसको नहीं खरीदते हैं। तो सील का इतना ही महत्व है कि आपस में एक दूसरे की पूरक है, और पूरक है तो चाहे वो हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, मनुष्य है, जितने ही मनुष्य संसार में उन सब के लिए एक पैगाम है बुद्ध का, जो जो पालन करता है उसका ये भला करता है। जो लोगों में द्वेष भावना आती है उसे छोड़कर, क्योंकि द्वेष भावना बबूला की तरह है, बबूल की तरह है और नुकसान करती है, तो पहले अपना भी नुकसान करती है, सामने वाले का तो बाद में नुकसान होता है, तो उसको छोड़कर हम भाईचारा की ओर, और हम भी किसी को गलत ना बोलें और कोई सामने वाला भी हमको कोई गलत ना बोले। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। आज बहुत बड़ा दिन है, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन आज मैं मौजूद हूँ वजीराबाद रोड पे, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ भंते लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से गौतम बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया में फैला और किस तरीके से बुद्ध जी ने उजियारा किया इस हमारे देश में। तो सबसे पहले आपका मैं नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम भदंत बुद्ध कीर्ति। कीर्ति जी, आज जो ये बुद्ध पूर्णिमा है, क्या किस वजह से ये बुद्ध पूर्णिमा बनाई जाती है? हाँ, उसके तीन कारण हैं। पहला कि उनके जन्म से है, दूसरा उनका जो है उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, और तीसरा है कि उनको परनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। उन तीन कारणों की वजह से ये बुद्ध पूर्णिमा को महत्व दिया गया है। जो गौतम बुद्ध का एक पैगाम था कि पूरे देश में शांति और अमन का जो है पैगाम दिया जाए, और इसी तरीके से जो है बुद्ध का उपचार और उच्चारण किया जाए, तो उसी तरीके से क्या लोगों के अंदर भी इस तरीके से जाग रहा है, जागृति पैदा हो रही है बुद्ध को लेकर? नहीं, जागृति तो उस तरह नहीं हो रही जिस तरह बुद्ध का संदेश है। जैसे उनकी पंच सील है, तो पहली सील है प्राणातिपाता वेरुणी सिखा पदम समाधयामि, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। फिर भी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसमें उलझे रहते हैं। श्री दूसरी सील है अदिन्ना दाना वेरुणी सिखा पदम समाधयामि, मैं प्राणी हिंसा न करने की व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। फिर भी कहीं न कहीं आदमी ये जो चोरी है कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में छुपा लेता है। तीसरी सील है कामिस मिच्छा चारा वेरुण समाधयामि, उसमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आदमी गलती कहीं ना कहीं करता है लौके आधार पर भी। और चौथी सील है मूसा बाधा बैरमणि सिखा पदम समाधयामि, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में झूठ बोलता ही है ना, सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं बोलता ही है। पांचवी सील है तो कहीं ना कहीं लोग रात को शाम को बैठ के कहीं ना कहीं लगा ही लेते हैं या फिर उसकी चर्चा कर लेते हैं, तो ये भी सील में आता है। और जितना हम लोग कहते हैं उतना पालन करने में ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आज के समय में कोई पानी की बोतल है उसके ऊपर सील होती है, तो सील होती है तो उसको हम खरीद लेते हैं, सील टूटी होती है तो उसको नहीं खरीदते हैं। तो सील का इतना ही महत्व है कि आपस में एक दूसरे की पूरक है, और पूरक है तो चाहे वो हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, मनुष्य है, जितने ही मनुष्य संसार में उन सब के लिए एक पैगाम है बुद्ध का, जो जो पालन करता है उसका ये भला करता है, और अपने आप को और दूसरों को अच्छा बनाने के लिए ये सील पालन करेंगे तो अच्छा माहौल बनेगा, और अच्छा माहौल बनेगा तो देश आगे तरक्की पर जाएगा। तो ये जितनी भी सील आपने बताए, तो कैसे इसको सील को हम जो है अपने देश में, अपने लोगों के बीच, समाज में कैसे फैला पाएंगे? नहीं, फैलाने का तो बहुत अच्छा तरीका है। जैसे पहली वाली सील है हिंसा करता है, तो लॉ के आधार पर हम जाएंगे तो कोई आदमी किसी को मारता है तो 320 लगती है। इसी तरह के दूसरी सील है चोरी, किसी ने कि देख लिया उसको, उस पर भी धारा लगती है। तीसरी भी जो सील है व्यभिचार वाली, अगर उसके किसी ने जिसके साथ हुआ है वो कंप्लेंट करेगा तो आदमी को समझने की ज़रूरत है ना। झूठ बोलता है, किसी ने कह दी मेरे सामने झूठ बोला तो उस पर क्लेम लगेगा। पांचवी सील है जैसे 18 साल से कम का या कहीं गलत जगह पर या सार्वजनिक पर कहीं इस्तेमाल करता है, तो ये सब पे होता है, मगर समझने की ज़रूरत है, समझाना नहीं है, क्योंकि समझाएगा तभी आगे बढ़ पाएगा। तो समझना आदमी को खुद है, खुद ही चलना है, खुद ही उसको दंड भोगना है,
जो आदमी सोच लेगा कि ये इस ऐसा करने से ऐसा होता है तो वो अपने आप सुधार लेगा, जो आदमी सोचता कुछ नहीं होगा है ना तो फिर वो गलत रास्ते पर चला जाएगा, एक एक अच्छाई की ओर जाता है एक बुराई की ओर जाता है, तो बुराई की ओर जाने वाले ज़्यादा लोग हैं, अच्छाई की ओर जाने वाले कम लोग हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें ऐसे ही जीना पड़ेगा आपको। आजकल जिस तरीके से मतलब देश में युवा खास तौर पे मिनट में अपना आपा खो जाते हैं, मिनट में एकदम गुस्सा हो जाते हैं, इस तरीके का क्रूर रूप धारण कर लेते हैं, एक दूसरे को मारने काटने तक की नौबत आ जाती है, और देश में किस तरीके से युवा जो है किसी के कहने भर से ही भड़क जा रहा है, तो ऐसे युवाओं को हम कैसे इस ओर लेकर आएंगे? तो वो होता है जैसे झूठ, जैसे कोई आदमी है किसी के बारे में झूठ बोलता है तो इसे चुगली भी कह देते हैं, जैसे वो हमारे सामने नहीं है मगर हम उसकी कुछ बात कर रहे हैं और किसी ने आके बता दिया कि वो इस तरह आपको बोल रहा था, तो उसके अंदर जीव रासायनिक है वो तेज से भरते हैं, अरे मेरे को ऐसा क्यों कह दिया, मैं ऐसा ऐसा थोड़ी हूँ। तो फिर जैसे पहली वाली सीन है, जैसे कोई आदमी किसी के घर पर जाता है और कहता है कि वो आपको कोई मारना चाहता है, तो पहला संस्कार होता हमारा मन का कर्म होता, मन का कर्म होता है, दूसरा होता है वाणी का कर्म होता है, तीसरा शारीरिक कर्म होता है। तो जो मन का कर्म है तो पहले उसने बोला कि आपको कोई मारना चाहता है तो उसके मन में एक संस्कार बन गया, दूसरा वाणी का कर्म है तो जब वो कोई दूसरा फिर बाद में कहता है कि आपको कोई मारना चाहता है तो उस वाणी का कर्म हो गया, तो उसने भी सामने वाले को कह दिया कि मैं क्या उससे कम पढ़ूँगा, ये वाणी पर उसका संस्कार बन गया। तीसरा संयोग से जिस आदमी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे वो हमारे दरवाजे पर आता है, बंदूक उठाते हैं धांसे मार देते हैं, ये शारीरिक कर्म हो गया। तो ये धीरे धीरे ऐसे ही नहीं हो जाता, ये संस्कार धीरे धीरे आते हैं और हमारे सर पर चढ़ जाते हैं, चढ़ जाते हैं तो हम फिर आपा अपना खो देते हैं और उसको सामने वाले के साथ में मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये नहीं, ये सब तो वो करते ही है मगर उनको उस जगह से हमें लेकर आना है इस बौद्ध धर्म के रास्ते लिए। एक और रास्ता है जो भगवान बुद्ध का, जैसे कि पहला हमारा सूत्र पिटक है जो भगवान बुद्ध ने 84,000 सूत्रों में अपने उपदेश दिए हैं, उसी के साथ में विनय है, विनय पिटक में जो पंचशील है, अठशील है, 227 सीलें हैं और 231 सीलें हैं, उसके बाद में अभिधम पिटक है, उसमें ध्यान साधना आता है और ध्यान साधना जो आदमी धीरे धीरे पकड़ लेगा तो वो ये जो गुस्सा आ रहा है वो नहीं आएगा उसको, है ना, वो एकदम शांत, जैसे कि हमको बहुत गर्मी लगी है ठंडा पानी मिल जाए तो हमारा जो टेम्परेचर है धीरे धीरे शांत हो जाएगा, इसका उसको धीरे धीरे जो हमारे विकार हैं उनको बाहर निकालना पड़ेगा, जैसे कपड़ा गंदा होता है उसको साबुन से धोते हैं तो साफ दिखने लगता है, इसी तरह जो भगवान बुद्ध की जो विद्या है जो विपश्यना है वो साबुन का काम करती है, धीरे धीरे मन पर हम रोज उस पर कितने मल चढ़ाते हैं सुबह से शाम तक, जैसे हम जिस थाली में खाते हैं उसको धो के रख देते हैं फिर शाम को खाते हैं दोपहर में खाते हैं हर बार धोते हैं ना, ये मन को क्यों नहीं धोते, तो मन को धोने की आवश्यकता है और धोने के लिए भगवान बुद्ध का बहुत अच्छा रास्ता और सीधा रास्ता है जिसे ध्यान कहते हैं। जिस तरीके से बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही मतलब इस तरीके के प्रोग्राम और जो है मैसेजेस दिए जाते हैं, उसके हटके भी क्यों मैसेजेस नहीं दिए जाते हैं, क्यों गौतम बुद्ध का इस तरीके से प्रोग्राम हर जरूरी नहीं कि हम उसी मंथ में या उनके तय दिन पर करें, हम हर दिन क्यों नहीं बुद्ध पूर्णिमा मनाते? बुद्ध पूर्णिमा तो देखो जिस दिन आती है उसी दिन मनाई जाएगी, बाकी यह है कि प्रोग्राम तो चलते रहते हैं मगर जिस लेवल पर होने चाहिए उस लेवल पर नहीं कर पा रहे, है ना, जैसे भिक्षू हैं भिक्षू भी कम है तो वो जैसे संडे या सैटरडे में प्रोग्राम होते हैं, बाकी दिन तो कोई आदमी बुलाता नहीं ना समझता, सब लोग नौकरी पैसे वाले हैं सब चले जाते हैं, जैसे आप भी हैं घर बार छोड़ के यहाँ पर आए हो, नहीं जिस दिन आपके पास टाइम हुआ आप सोचेंगे चलो भंते को बुलाते हैं खाना खिलाते हैं और उनसे प्रवचन सुनते हैं, तो ये टाइम के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपना टाइम दे पाएगा तभी उसको कुछ मिलेगा। अच्छा, शनिवार और इतवार आपने बताया कि काम वाले दिन नहीं होते हैं, हाँ उस दिन जो छुट्टी वाले दिन लोग आते, कितने लोग अक्सर आपके प्रवचन सुनने आ जाते हैं? वो तो बुद्ध विहारों में भी आज का जो यहाँ का जो सर्वे है बाकी बाहर का भी है, जैसे महाराष्ट्र में तो ज़्यादातर महिलाएं एक्टिव हैं और महिलाएं 20-25-30-40-50 तक महिलाएं आती हैं, मगर यहाँ पर जितने भी हैं वो महिलाएं और बच्चे बहुत पीछे हैं, यहाँ जो बुद्ध विहार पर 10-5 भंते या भंते एकाध होगा या फिर उपासक ना के बराबर आते हैं,
उपासक क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को जो सीखा है वो बताने के लिए तैयार नहीं है। बताएंगे नहीं तो बच्चे कहाँ से आएंगे, है ना? वो कहते तुम देखो और हम वहाँ देखते हैं। तो जो हमारा कोई युवा तैयार भी होके आ गया है तो उसको फिर जो जो बुजुर्ग है वो आगे आने नहीं देता, ये भी प्रॉब्लम है। नहीं तो ये और अच्छा एक और तरीका है, हमारे जितने बुधवार खाली रहते हैं उनमें 1 से 5 तक हम क्लास चलाएं और उसके साथ साथ धार्मिक भी शिक्षा सिखाएं, तो हमारे बच्चे जो आज हमको बुजुर्गों को युवाओं को बताने की आवश्यकता है वो ज़्यादा समय में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम ऑटोमेटिक धार्मिक बनते चले जाएंगे। धार्मिक शिक्षाओं से जैसे कि क्या अभिप्राय है आपका? धार्मिक शिक्षा है नैतिकता, है ना? तो नैतिकता ही हमारा जीवन है और अच्छा जीवन जिएंगे तो हम लोग याद रखेंगे, माँ बाप याद रखेंगे, खराब जिएंगे तो तब भी लोग याद रखेंगे। तो धर्म का मतलब जो सही सूक्ष्म में है, अच्छाई और बुराई दोनों ही धर्म है, है ना? तो मगर हमको किस पक्ष को ज़्यादा मजबूत बनाना है तो ज़्यादातर ये जो नेगेटिव जो थॉट है वो उसको ज़्यादा पकड़ लेते हैं, क्योंकि नादानी से, अविद्या की वजह से, है ना? जानकारी नहीं है इसलिए अविद्या है, अविद्या की वजह से हम उस थॉट को पकड़ लेते हैं और हम सब जैसे 7वीं 8वीं 12वीं तक के आगे नहीं पढ़ पाते, पढ़ नहीं पाते तो हम समझ नहीं पाते, फिर हमारे पे घर का बोझ होता है, कमाने का, खिलाने का, घर वालों का, फिर हमारे साथ में ये सारी परिस्थितियाँ जुड़ती चली जाती हैं, तो उसमें हम उलझ के रह जाते हैं। तो उलझे नहीं, उससे पहले हम मजबूत बन जाएं, मजबूत बन जाएंगे तो फिर जितनी समस्या आएंगे उनको हम खुद समाधान निकाल सकते हैं। तो ये बुद्ध पूर्णिमा आज इतना बड़ा दिन है, किस तरीके से बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा तो रहता है उसमें तो बुद्ध की जो शिक्षा है वो बताई जाती हैं और ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। जैसे विदेशों में भी सुबह से ही शुरू होता है, शाम तक समाप्त हो जाता है। और जितने बुद्ध विहार हैं यहाँ पर, कहीं पर ज़्यादा किसी पे कम, ये सब जगह मनाया जाता है। जैसे मैं आज भी कैराना में एक बुद्ध विहार का उद्घाटन करके आया, वहाँ पर जो जितने लोग दिल्ली में या आसपास कहीं पर रहते हैं उनका सहयोग की वजह से वो बुद्ध विहार बना। पहले वो उसमें मंदिर भी था, तो लोगों की अच्छी सोच है और उन्होंने शहर में आकर समझा तो उस गांव में वो शिक्षा को पहुंचाने का काम भी किया। तो ऐसे ही लोगों जैसे उन्होंने समझा 8-10 लोगों ने, ऐसे ही जो लोग शहर में आ गए वो भी अपने गांव में जाकर देखें, है ना? तो वो देखेंगे तभी थोड़ा सुधार आ पाएगा। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारे जो जितने भी देखने वाले, चैनल देखने वाले हमारे साथी लोग हैं, हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे देश को? देश को तो मैं चाहता हूँ अमन शांति रहनी चाहिए। जो लोगों में द्वेष भावना आती है उसे छोड़ कर, क्योंकि द्वेष भावना बबूल की तरह है और नुकसान करती है, तो पहले अपना भी नुकसान करती है, सामने वाले का तो बाद में नुकसान होता है। तो उसको छोड़कर हम भाईचारे की ओर, और हम भी किसी को गलत ना बोलें और कोई सामने वाला भी हमको कोई गलत ना बोले, इसलिए हमको शांति, अमन, चैन और बुद्ध का जो संदेश है वो आगे बढ़े, यही मेरा संदेश है। बहुत थैंक यू सर। तो हमने अभी बौद्ध कीर्ति जी से बात की, इतना अच्छा उन्होंने संदेश दिया। आज बुद्ध पूर्णिमा का बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ा दिन होने के ही वजह से इसको उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। जिस तरीके से एक त्यौहार मनाया जाता है उसी तरीके से आज यहाँ पर त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है। कुछ यहाँ पर जो प्रोग्राम्स भी होंगे और यहाँ पर भंते लोग भी आए हुए हैं, वहीं हमने बौद्ध कीर्ति जी से भी बात की, उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया। इसी तरीके से बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध की जो शिक्षाएँ थी उसके पैगाम पर अगर देशवासी लोग चलें तो क्या कुछ नहीं बदल सकता है। बहुत अच्छा पैगाम दिया है बुद्ध कीर्ति जी ने। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़। नमस्कार।